Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the GST MCQs which we have started. So this is the lecture number 2. इसके पहले मैंने already एक lecture GST के MCQs के ऊपर डाला है. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से चेक करें. उस सेशन में भी हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए थे. तो अभी ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें भी हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे, जैसे साइड बाय साइड आपके ऑब्जेक्टिव्स का भी प्रिपरेशंस चलते रहे. सो दिस इज़ दी GST MCQs लेक्चर नंबर 2. अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर on GST, some of the expected MCQs, lecture number 2. The first is indirect tax is a dash type of tax. तो options are regressive, progressive, tax on tax and value added. तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर. तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रिग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्स. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. In area inside the sea between 12 nautical miles to 200 nautical miles, dash will be applicable. CGST, SGST, IGST या both A and B. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एरिया इनसाइड द सी बिटवीन 12 नॉटिकल माइल्स टू 200 नॉटिकल माइल्स, इतना जो ड्यूरेशन है, इतना जो पॉइंट है इसके बीच में 12 नॉटिकल माइल्स टू 200 नॉटिकल माइल्स, उसके लिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज IGST, Integrated Goods and Service Tax. Next is IGST is levied on interstate supplies except supply of petroleum crude oil, petroleum crude, motor spirit, natural gas. तो IGST जो है is levied on interstate supplies except supply of alcoholic liquor for human consumption. The right option for this question is alcoholic liquor for human consumption. Next is person dash goods or services or both shall not collect the tax in excess of the effective rate. तो person supplying, exempted, exporting, importing, any of the above. The right answer for this question is person who are supplying any kind of exempted goods or services or both shall not collect the tax in the excess of the effective rate. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. डैश मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. अगर हम इंडिया से बाहर गुड्स लेके जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाएगा फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5. देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. If insurance services are provided to dash, then place of supply is location of such person. तो insurance services हम किसे provide करेंगे, तभी place of supply उस person का location बनेगा. Registered person, unregistered person, government and either A or C. तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, insurance services are provided to whom? It is to be provided to any kind of registered person. U.R.D. तो इसमें नहीं आएगा, unregistered dealer या unregistered person यहाँ पे cover नहीं होगा. Next question देखते हैं. The liability to pay the tax on goods shall arise at the, very important question है. The liability to pay tax, कब liability arise होगी, dispatch करते वक्त, removal होते वक्त, या time of supply या delivery of the goods. The right answer for this question is टाइम ऑफ सप्लाई. तो टाइम ऑफ सप्लाई इसका सही आंसर है कि लाइबिलिटी कब अराइज होगी, टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज इन रिलेशन टू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शैल बी 25%, 15%, 10%, 12% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको मगअप करना है, याद रखना पड़ेगा. तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज. तो इंश्योरेंस या एन्युटी पॉलिसीज़ के अंदर जब आप सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज़ को देखोगे तो उसमें 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज, ये ऑप्शन आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज इफ द पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज नॉट मेड विद इन dash days from the date of the invoice, the input tax credit on such goods or services cannot be availed. कितने दिन के अंदर क्लेम करना चाहिए, वरना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो इसके लिए आपको याद रखना है, मैं आपको मंथ्स में भी बताता हूँ, दैट इज 6 months एंड हियर द डेज इज 180 डेज. तो 180 डेज इसका सही आंसर है. 180 डेज के अंदर आपको क्लेम करना है, वरना इसका सेट ऑफ नहीं मिल पाएगा. नेक्स्ट इज द डिडक्टर हैज टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम डिडक्टी where the total value of the supply under a contract exceeds 1 lakh, 2 lakh 50,000, 4 lakhs and 10 lakhs. This is also one kind of question which you need to remember. तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको याद रखना है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2,50,000. तो डिडक्टर हैज टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम डिडक्टी वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2,50,000. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन. The TDS certificate in form GSTR7A is to be issued within 5 days, 7 days, 5 days of crediting the amount to the supplier and 7 days of crediting the amount to the supplier. इसका भी आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, बिकॉज GST में काफ़ी सारे फॉर्म्स है, उसके काफ़ी सारे डेज है, उसके काफ़ी सारे रूल्स है, तो आपको याद रखना पड़ेगा. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5 days of crediting the amount to the government. So TDS certificate in GSTR7A is to be issued within 5 days of crediting the amount to the government. Next question देखते हैं. Dash means the supply of goods or services or both, including digital products over digital or electronic network. So the right answer for this question, it's very easy. You can be seeing the options and you can answer the question, because ये जो option से ही, ये जो question है, इसी से आपको answer का पता चल गया होगा. That is called as electronic commerce. तो digital commerce, electronic commerce, electronic commerce operator या digital commerce operator. तो right answer for this question is electronic commerce, which can be also called as e-commerce. तो यही थे आज के कुछ 12 क्वेश्चंस. मैंने क्विकली इसको करवाया ताकि वीडियो काफ़ी लेंदी ना बने और आपको ये जीएसटी एमसीक्यूज भी साइड बाय साइड आपके रिवाइज होते चले. तो आज हमने सेकंड एमसीक्यू का लेक्चर देखा है, थर्ड भी तुरंत मैं अपलोड कर रहा हूँ, और इन सारे एमसीक्यूज का कंबाइंड पीडीएफ में टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ. तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, लास्ट मिनट रिविजन विद RSM चैनल ढूंढे सर्च बार में और उसमें से ज्वाइंट हो जाए. ये सारे पीडीएफ्स, कंबाइंड पीडीएफ, सारे ऑडियोस, सारे के सारे लिंक्स आपको वहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ ताकि आप कुछ भी अपडेट मिस ना करो और आप चैनल के साथ जुड़े रहे. अगर अभी तक देखा है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.